आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल में हम एक दिन या एक महीने में सबसे ज्यादा कोरोनरी एनजीओज करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारी डिपार्टमेंट में जो रेडियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज है इस क्षेत्र में और जो मशीन की कैपेबिलिटीज है, वो दोनों मिला के एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज रंजन हूँ और पिछले करीब 12 वर्षों से इस हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा अस्पताल जो है उसमें जो हमारा रेडियोलॉजी विभाग है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रेडियोलॉजी आउटलेट है इस पूरे पूर्वांचल में, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ों में पायनियर्स रहे हैं इस रीजन में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सबसे पहला MRI आया, वी हैड वन ऑफ द अर्लीस्ट CT स्कैनर, सबसे पहला मोस्ट एडवांस 3 टेस्ला MRI स्कैनर भी हमारे ही अस्पताल में आया, और आज की डेट में हमारे पास सबसे बढ़िया MRI स्कैनर, एक 128 स्लाइसर CT स्कैनर जिसमें सारी क्षमताएं हैं, उसके साथ में डिजिटल रेडियोग्राफी और बाकी सारी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हम वो सारी जांचें कर सकते हैं जो भारत के किसी भी मोस्ट एडवांस सेंटर में रेडियोलॉजी विभाग कर सकता है, और पिछले 12 वर्षों से हम निरंतर इसी में कार्यरत हैं। मैं इक्विपमेंट वाइज बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं MRI की बात करूं तो हमारे पास एक 3 टेस्ला 48 चैनल सिस्टम है जिसमें हम वो सारी MRI जांचें कर सकते हैं जो कि संभावित हैं, किसी भी जगह पे की जा सकती हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो जो हमारा हाई फील्ड स्ट्रेंथ है और हमारी जो मशीन की कैपेबिलिटी है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं निदान करने में, डायग्नोसिस करने में, और जो सटल सिग्नल्स में चेंजेस हैं या जो छोटी छोटी बहुत बारीक बीमारियां हैं वो भी हम लोग बहुत अच्छे से इस मशीन के द्वारा पकड़ सकते हैं। मैं अगर बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन में ऐसी कई तरह की समस्याएं आती हैं, इन्फेक्शन आते हैं, ट्यूमर्स आते हैं, और कुछ पैदाइशी बीमारियां होती हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें जो महीन से महीन होती हैं वो हम बहुत अच्छे से अपनी मशीन के द्वारा पकड़ पाते हैं। सिमिलरली जो स्पाइन का MRI है उसमें भी, जो स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत छोटी से छोटी बीमारियां हैं वो हम पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ मिलता है और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है इस मशीन का काफ़ी हाई रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हम मशीन के बहुत हाई फील्ड स्ट्रेंथ के द्वारा शरीर के बाकी रीजन का भी, जैसे अगर एक ऑर्थोपेडिशियन है तो उनको हर हड्डी में या जोड़ों में जो बारीक से बारीक लिगामेंट्स होते हैं, जो दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज या सॉफ्ट कोशिकाएं होती हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करनी होती है, जो कि हाई फील्ड स्ट्रेंथ मशीन के द्वारा पॉसिबल होता है। इसीलिए हम लोग जो है बहुत अच्छे जॉइंट्स और बोन्स और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के इमेजेस भी प्राप्त कर सकते हैं। नी जॉइंट या शोल्डर जॉइंट के लिए डेडिकेटेड कॉइल्स हैं जो कि हमको और भी अच्छा सिग्नल प्राप्त करने में मदद करती हैं। ऑन्को इमेजिंग या कैंसर इमेजिंग में भी हाई फील्ड स्ट्रेंथ का बहुत महत्व है। जो एक कैंसर है उसके फैलाव शरीर में कहाँ कहाँ पे हो चुका है, उसके लिए हम एक हाई फील्ड स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग पूरी बॉडी का ले सकते हैं, जिसमें अगर कोई एक बीमारी कहाँ तक फैली है वो हमको पेट की तरह का इमेजेस देते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि एक अगर कैंसर फैला है तो वो कहाँ तक फैला है, उसका क्या एक्सटेंट है, जो कि आगे मरीज के इलाज में बहुत लाभकारी हो सकता है। हमारे अस्पताल में एक बहुत अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, तो हम जो है पेट की जाँच भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यूजुअली पेट की जाँच MRI में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो सांस के मूवमेंट की वजह से या बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो आता है या बहुत ज़्यादा फ्लूइड पेट में होता है उसकी वजह से सिग्नल्स में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, नॉइज़ पैदा होता है, बट हमारे अच्छे हाई फील्ड स्ट्रेंथ और मल्टीपैरनल इमेजिंग की वजह से हम लोग बहुत अच्छे एब्डोमिनल इमेजेस प्राप्त करते हैं, और इसी वजह से हम शहर में काफ़ी सारे जो MRCPs हैं उनकी जाँच हम लोग को रेफ़र किया जाता है, और हम लोग बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। बात करूँ अगर मैं पेल्विक इमेजिंग की, आमतौर पे पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे स्पेशली फीमेल पेल्विस में जो लोअर एब्डोमेन की जो बीमारियां होती थी उसके लिए CT स्कैन कराया जाता था, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित नहीं होता था, लेकिन हमारे MRI स्कैनर हाई फील्ड स्ट्रेंथ अगेन उसकी वजह से बहुत ही हाई क्वालिटी पेल्विक इमेजिंग प्राप्त होती है, जिसकी वजह से बहुत
अच्छे से हम लोग चीज़ों की डायग्नोसिस कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या हिमोरेजिक सिस्ट, या डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर, कैंसर सर्विक्स, कैंसर एंडोमेट्रियम, हम लोग उसका डायग्नोसिस काफ़ी हद तक कर पाते हैं, उसका एक्सटेंट देख पाते हैं और वो कहाँ तक फैला है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो डिटेलिंग है, जो इमेजेस में जो हमको टिश्यू की डिटेल मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 128 स्लाइसर कार्डियक सीटी स्कैनर है। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल में हम एक दिन या एक महीने में सबसे ज़्यादा कोरोनरी एनजीओज करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारी डिपार्टमेंट में जो रेडियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ है इस क्षेत्र में और जो मशीन की कैपेबिलिटीज़ है, वो दोनों मिला के एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी सीटी के द्वारा इंडिकेटेड है। आप हर केस में इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए नहीं जा सकते। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जहाँ पे कि आपको बहुत सीवियर डिजीज़ का इंडिकेशन नहीं है और आप चीज़ों को रूल आउट करना चाहते हैं, नटशेल में बोलूँ तो स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए सीटी कोरोनरी एनजीओ एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहाँ पे वो उपलब्ध सुविधा की वजह से हम वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस अट्रैक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और हमारे जो रेफरिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे जाँच से काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। अब बाकी दूसरे अगर सीटी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल ट्रिपल फेस स्कैन हो गया, डिफरेंट अदर एंजियोग्राफीज हो गई, ये सब के सब जो जो मशीन की कैपेबिलिटीज़ है और जो हम लोग कम टाइम में, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं वो 128 हैं, तो हम बहुत कम समय में पूरी बॉडी को इमेज कर पाते हैं, तो उस तरह से हम लोग पहला कॉन्ट्रास्ट का रिक्वायरमेंट भी कम कर देते हैं और हम लोग रिलेटिवली लो डोज में मरीज को कम हानि रेडिएशन पहुंचाते हुए और हम लोग ये जांचें कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ आर स्कैनर। और इसी वजह से जो ट्रिपल फेस स्कैन्स हैं एब्डोमेन के या रेस्ट ऑफ द प्लेसेस के, जो डिफरेंट एंजियोग्राफीज हैं, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एंजियोग्राफीज या लोअर लिम एंजियोग्राफीज या ब्रेन एंजियोग्राफीज, वो हम लोग काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सिमिलरली हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट भी है, उसमें भी हमारे पास डिजिटल एक्सरे अवेलेबल है, जिससे जो भी एक्सरे की जांच आनी होती है या उसके अलावा जो अदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि बेरियम स्टडीज़ हो गया या फिर फिस्टुलोग्राम्स हो गए या दूसरे तरह की जो भी स्पेशल स्टडीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन के साथ हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। काफ़ी एडवांस अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन भी उपलब्ध है जिसमें हम सारे अल्ट्रासाउंड की जांचें कर पाते हैं, हम लोग सारे डॉपलर्स करते हैं और सीटी और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम लोग इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी, बायोप्सीज या एफएनएसीज या ड्रेनेज प्रोसीजर्स भी रेगुलरली करते हैं। उसके साथ ही हमारे एक स्कैनर में इलास्टोग्राफी की भी सुविधा उपलब्ध है जिसमें हम लोग टिश्यू की इलास्टिसिटी बताते हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि हम लोग लिवर में कितनी हार्डनेस आई है, जैसे वो फैटी है, सिरोटिक है, उसकी क्या ग्रेडिंग है, उसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। और उसी के जैसा अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड में जो भी लीजन है, उस लीजन की हार्डनेस से हम उसके डिजीज़ के बारे में प्रोग्नोस्टिकेट या उसके बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये इलास्टोग्राफी एक काफ़ी उभरती हुई तकनीक है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम लोग अपने अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से कर पाते हैं। अगर मैं समराइज करूं तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास सारी एडवांस्ड मशीन और साथ में टेक्निकल एक्सपर्टीज साथ में अवेलेबल हैं, जो कि हमको इस पूरे पूर्वांचल में सबसे बढ़िया रेडियोलॉजी सेंटर बनाती है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए पिछले 12 साल से हम लोगों ने अपने कंबाइंड एफर्ट से हमारे क्लिनिशियंस, हमारे सर्जन्स, हमारे फिजिशियंस सबको एक बहुत अच्छा लाभ पहुँचाया है और हमें इस बात का पूरा गर्व है।